टुडेज लेक्चर वी विल टॉक अबाउट हार्मोन्स इन एनिमल्स. ठीक है, हार्मोन्स कौन कौन से एनिमल्स में होते हैं. बेसिकली हार्मोन्स क्या हैं, जो कि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, देखिए जो हार्मोन्स होते हैं उनका जो एनिमल्स में रोल है वो बिल्कुल प्लांट से अलग है ना. लेकिन होता क्या है कि इसमें भी फंक्शंस वही रहेंगे. जैसे कुछ हार्मोन्स ग्रोथ में हेल्प करते हैं, कुछ हार्मोन्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी बिल्कुल अलग तरीके की बनी हुई है. ठीक है, डाइजेशन के लिए अलग हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, सलाइवा के सिक्रेशन के लिए डिफरेंट हार्मोन्स हैं, एमरजेंसी सिचुएशन में लड़ने के लिए डिफरेंट हार्मोन्स हैं. हर एक एक्शन के लिए एनिमल्स की बॉडी में अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स हैं. प्लांट में गिने चुने कुछ चार पांच हॉर्मोन्स होते हैं. ठीक है, जिनका हमने फंक्शन देखा, बेसिकली वो ग्रोथ करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं या एक्सेसिव ग्रोथ को स्टॉप करते हैं. सिमिलरली एनिमल्स की अगर हम बात करें, देखिए जो हार्मोनल सिस्टम है उसको हम नाम देते हैं एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, एंडोक्राइन वर्ड जहां भी लग जाए मींस दैट वर्ड इज रिलेटेड टू हार्मोन्स. ओके, अब देखिए जो हमारी बॉडी है उसको हार्मोन्स की जरूरत क्यों है, ताकि बॉडी बैलेंस में रहे. ठीक है, जितने भी केमिकल रिलीज हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा घटे नहीं, वो बहुत ज्यादा बढ़े नहीं, इसलिए हार्मोन्स को रेगुलेशन की भी जरूरत होती है. ठीक है, अब ये हार्मोन्स आते कहां से हैं, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स हैं वो हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती हैं. ग्लैंड्स बेसिकली कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं बॉडी में, ऑर्गन्स या आप बोल सकते हो कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स के पार्ट्स हैं. ठीक है, जो कि इन केमिकल्स को सिक्रेट करती हैं जब भी हमें जरूरत पड़ती है. ओके, एक एक करके डिस्कस करते हैं, इनकी लोकेशन देख लेते हैं. ठीक है, ग्लैंड्स की ऊपर से शुरू हो जाएं, दिस इज द मेल एंड दिस इज द फीमेल. फीमेल मैंने हाफ ड्रॉ किया बिकॉज यहां पे इतना सा ही डिफरेंस था और बाकी सारा सेम है. ओके, देखिए क्या होता है कि ये जो ब्रेन वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला, दिस इज द ब्रेन. ब्रेन वाले पार्ट में आपको मिलेंगी तीन ग्लैंड्स. सबसे टॉप मोस्ट पे पीनियल ग्लैंड, पीनियल के ही एंटीरियर आगे की ओर हाइपोथैलेमस एंड नेक्स्ट इज पिट्यूटरी. ठीक है, ये तीन ग्लैंड्स आपको ब्रेन वाले पार्ट में मिलेंगी. नेक्स्ट गले वाले पार्ट में आ जाइए तो इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, जो सेंटर में है, दिस इज थायराइड. और यहीं पर थायराइड के बिल्कुल ठीक एंटीरियर आगे वाले हिस्से में ही होती है पैराथायराइड ग्लैंड्स. ठीक है, ये टोटल चार होती हैं और पेयर्ड होती हैं, तो दो पेयर होते हैं इनके. ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल थोड़ा और नीचे आ जाइए तो फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग होगी, उसके नीचे यहाँ हार्ट जहां से शुरू होता है, बिल्कुल हार्ट के पास एक ग्लैंड होती है, दैट इज थाइमस. ओके, नेक्स्ट इज ये किडनी के ठीक ऊपर, ऊपर वाला जो सरफेस है सुपीरियर, वहां पे एड्रीनल ग्लैंड होती है. किडनी इज नॉट अ ग्लैंड, किडनी इज एन ऑर्गन, लेकिन किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं. नेक्स्ट इज ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द मेल. ओके, दिस इज द टेस्टिस. एंड फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो होता है ओवरीज, इसलिए ओवरीज कुछ इस तरह की होंगी. ठीक है, ओवरीज में यूट्रस होता है, फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं. ठीक है, और ये जो टेस्टिस है ये एक स्पेशल एक बलून लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, स्क्रोटम, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली, जिसके अंदर टेस्टिस प्लेस्ड होती है सेफली. ओके, अब ये डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करती हैं सारी ग्लैंड्स. ठीक है, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हम देखने वाले हैं वो है थायराइड के हार्मोन्स. ठीक है, एक है एड्रीनल ग्लैंड. ओके, एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस इस पैनक्रियास के बारे में हम देखेंगे हार्मोन्स, टेस्टिस के बारे में देखेंगे. ठीक है, और पिट्यूटरी के भी थोड़े से ही देखेंगे. ठीक है, ये सारी ग्लैंड के हम थोड़े से हार्मोन चेक करेंगे और ओवरीज के तो करेंगे. ठीक है, जो थायराइड है वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करेगी, एड्रीनल एडर्नलिन, ओवरीज एस्ट्रोजन. ओके, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन, पैनक्रियास इंसुलिन. ओके, ये पैनक्रियास है. ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये, है ना. तो आपको पैनक्रियास लेफ्ट साइड में मिलती है, लेफ्ट साइड से शुरू होता है और राइट की तरफ को जाता है पैनक्रियास जो है. ठीक है, सो इन दिस वे ये डिफरेंट डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन सिक्रेट करती हैं जरूरत पड़ने पर. ओके, हार्मोन्स इन टेबुलर फॉर्म. ठीक है, जितनी भी हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे, कौन से ग्लैंड को, ग्लैंड के द्वारा वो सिक्रेट होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है. सो फर्स्ट हार्मोन इज द ग्रोथ हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, जो ग्रोथ हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है. नाम से ही पता चल रहा है इसका फंक्शन क्या होगा, ग्रोथ को प्रमोट करना. किसके, जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके साइज को ये ग्रो करता है. नेक्स्ट इज थायरोक्सिन हार्मोन. देखिए ये भी नेम से ही क्लियर है, कौन सा ग्लैंड इसको सिक्रेट करेगा, थायरॉयड ग्लैंड. ये क्या करता है, बेसिकली जितना भी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि ब्रेकडाउन और जो सिंथेसिस रिएक्शंस हैं, ठीक है, जितने भी रिएक्शंस है बॉडी के उनका जो सम है उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं.
ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं एंड दस बाय ऑल्सो प्रमोट्स द ग्रोथ। सेकेंड थर्ड इज इंसुलिन, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। ठीक है, आजकल तो इसकी वजह से एक डायबिटीज बीमारी चल रही है, काफी टाइम से चल रही है, एंड इंडिया इज द कैपिटल ऑफ द डायबिटीज, यू कैन से। ओके, सो मच डायबिटिक पेशेंट, शुगर के पेशेंट, आपने सुना होगा लोकल लैंग्वेज में। यूजुअली ब्लड ब्लड में क्या होता है, शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इंसुलिन की वजह से। ठीक है, तो होता क्या है, इसको कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करेगा, पेनक्रियाज। ब्लड में अगर शुगर बढ़ जाएगी तो पेशेंट को कहते हैं कि तुम शुगर मीठा खाना बंद कर दो, ताकि ब्लड में शुगर का लेवल कम हो। शुगर मीन्स ग्लूकोज का लेवल कम हो। तो जिन लोगों में डायबिटीज होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टेस्टोस्टिरोन। टेस्टोस्टिरोन जो है वो टेस्टिस सिक्रीट करती हैं मेल्स में, और इनका काम होता है जितने भी सेक्स ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट को करना। नेक्स्ट इज ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए, ये ओवरीज के द्वारा सिक्रीट होता है। ठीक है, ये भी सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट प्लस मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन इन वेमेन ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज एड्रेनलिन। एड्रेनलिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय द एड्रीनल ग्लैंड, नाम से ही क्लियर है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, बेसिकली इट इज एमरजेंसी हार्मोन, और यू कैन से फाइट ऑफ फ्लाइट हार्मोन। जितनी भी सिचुएशंस होती हैं जहां पे डर जाना है या भाग जाने की, सपोज कीजिए आपके सामने एक स्नेक आ गया है, देन वॉट रिएक्शन यू विल गिव, इधर यू विल फाइट और यू विल रन अवे। ओके, दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं। तो जो भी आप रिएक्शन दोगे, आप पहला जो सबसे पहले आपकी बॉडी में चेंजेस क्या आएंगे ये सोचिए। आपने सांप देखा, बिल्कुल अपने बिल्कुल नजदीक देखा, तो आपको क्या होगा, आपका दिल धड़केगा, सांस चढ़ जाएगी, आपको डर लगेगा, दैट मीन्स इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी। ओके, तो ये सब कब होता है, अगर ये सब आपकी बॉडी में हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि एड्रेनलिन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जब धक धक करने लगे, दिल सांस चढ़ने लगे। ओके, नेक्स्ट इज रिलीजिंग हॉर्मोन्स। एक ग्रोथ थे और अब कुछ है रिलीजिंग हॉर्मोन्स। रिलीजिंग हॉर्मोन्स भी सिक्रेटेड होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी कहाँ है, यहाँ ब्रेन के पास पीछे। ठीक है, ये क्या करते हैं, बेसिकली एक्टिवेट करते हैं पिट्यूटरी को कि तू अपनी सिक्रेशंस कर। ठीक है, जो पिट्यूटरी एक्चुअली उसके डिफरेंट रीजन्स होते हैं, तीन तरह के रीजन्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंटरमीडिएट। ठीक है, लेकिन आजकल जो एनिमल्स हैं उनमें इंटरमीडिएट नहीं होता है, नॉर्मली एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और हार्मोन्स जो हैं मेडिकली भी बहुत अच्छा यूज है। अगर इनकी कमी हो जाए तो बॉडी में इनको बढ़ा दिया जाता है। आप एक्सरसाइज करके कुछ हार्मोन्स का लेवल कंट्रोल में ला सकते हो। ठीक है, कुछ हार्मोन्स को इंजेक्शन लगते हैं, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन होता है। हार्मोन्स टैबलेट की फॉर्म में भी खाए जाते हैं अगर कम हो जाए तो। ठीक है, बढ़ गए तो उनको घटाने के भी अलग तरीके हैं। ठीक है, सो इन दिस वे जो हॉर्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं केमिकली। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।